नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर की तरह आज जम्मू में भी प्रधानमंत्री का 69वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन तस्वीरों में किस तरह से हर किसी के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट है और यहाँ पर केक भी बनाया गया है। आप देखें यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का घड़ा हुआ एक केक है और यहाँ पर इसे काटा जा रहा है और हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएँ दे रहा है और हर कोई हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर है। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर केक भी काटा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और एक दूसरे के मुंह में जिस तरह से केक को डाला जा रहा है और बधाई दी जा रही है और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि काश कहीं प्रधानमंत्री इनके साथ होते। इसी के चलते इन्होंने एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी ने प्रधानमंत्री का मुखौटा जो है वो अपने चेहरे पर उड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उनके जो अक्स हैं वो नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसी के चलते हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और आज के उपलक्ष्य पर आप केक भी काट रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की माता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनके चरणों को नमस्कार करना चाहता हूँ जिस माता जी ने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो आज देश के इस इतना बड़ा क्राइसिस को ख़त्म करके देश को संभाल रहे हैं, डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, पड़ोसी देश को सबक सिखा रहे हैं और देश की इकॉनमी को मजबूत कर रहे हैं। ये 70 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि देश को इस तरह के प्रधानमंत्री मिले हैं और आज पूरे देश के अंदर 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लोग प्रधानमंत्री जी की बर्थडे की खुशियां मना रहे हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि उनको ताकत मिले, शक्ति मिले, बल मिले कि वो देश के बच्चे बच्चे की सेवा कर सकें। उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री कभी नहीं माना, उन्होंने यही कहा कि मैं एक सेवक हूँ पूरे देश का। जब वो बचपन से घर से निकले थे तो मांग मांग के भी उन्हें रोटी खाई थी क्योंकि वो देश के कार्य के लिए निकले थे, देश के काम के लिए निकले थे और आज भी 18-18 घंटे काम करके वो देश की तरक्की की राह को तरक्की पे ले जाने के लिए देश को काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जितना देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, जितने लीडर साहब हैं, जितने मिनिस्टर साहब हैं, सभी को आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि सभी मुबारक के हकदार हैं क्योंकि हमारी स्टेट को जो देश के साथ मिलाया है ये भी एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है इसी के उपलक्ष आप केक भी कट कर रहे हैं और साथ ही लोगों में यहाँ पर फल और जो है वो बांट रहे हैं, इस वक्त आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि काश कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ होते। अभी वो आपके साथ तो नहीं है लेकिन क्या कुछ मैसेज जो है वो आप हमारे स्पिरिट न्यूज़ के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश को अगर संभाल रहे हैं, हर बच्चा बच्चा ऐसे महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि पूरे बॉर्डर के ऊपर मैं एक दफ़ा नौशहरा से काफ़ी दूर बिल्कुल बॉर्डर पे चला गया था तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था मगर घर घर में भारतीय जनता पार्टी का मैंने झंडा देखा था। मैंने उस समय ये देखा था कि हर एक इंसान के अंदर देश के अंदर खुशी की कितनी लहर है, किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, घर घर जो इन्होंने पक्के मकान बनवा दिए हैं, घर घर में चूल्हा दिया है क्योंकि आज किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। पहले सुनते थे हम कि घर से कोई लकड़ी काटने गया तो उसको शेर खा गया या कोई जानवर खा गया है, इन्होंने हर एक इंसान को ताकत दी है, शक्ति दी है और सेव किया है। पहले लोगों के छत जो गिर जाते थे आज पक्के मकान जो है घर घर में पूरे बॉर्डर में बंकर हर तरह की सुविधा जो है इस हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी जनता को दिया है कि जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, जो देश के अंदर रहने वाली जनता है पूरी तरक्की और विश्वास के साथ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं कामना करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र के लिए, इनके ताकत के लिए, इनके बल के लिए कि ये देश को ऐसी राह पे लेके जाएं जैसे आज पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारे देश की तरफ देख रहा है। Happy birthday to you.
आप देखिए यहाँ पर इन तस्वीरों में आज प्रधानमंत्री का 79वां जन्म दिवस है और इसी के उपलक्ष्य हम आज पूरी जो नरवाल कॉम्प्लेक्स है फ्रूट मंडी का सब्जी मंडी का आज खुशियों के दायरे में है, खुशियाँ मना रहे हैं, पूरा शहर खुशी मना रहा है, पूरा देश खुशी मना रहा है आज के दिन। और इसी तरह यहाँ भी सभी लोगों ने जितने भी वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कमीशन एजेंट हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे जहाँ के लोकल काम करने वाले हैं, चाहे लोकल व्यापारी हैं, जगह जगह से आए हुए सभी लोगों ने हमसे कल बोला था कि कल नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन को हमने मनाना है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये आज दिन रखा है, क्योंकि आज के दिन पूरे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन मनाने का मतलब ये है कि हम एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको शक्ति प्रदान करे भगवान, लंबी उम्र दे, शक्ति दे, बल दे, जिससे ये अपने देश का जो है तरक्की करवा सकें, देश को उज्ज्वल कर सकें, और पूरे जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पूरा वर्ल्ड है वो आज इंडिया की तरफ देख के काम कर रहा है, ये भी बड़ी एक मुबारक की बात है। और इसी के साथ साथ मैं सभी जहाँ जितने वर्कर हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन जितनी भी जहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है इन्होंने खुशी मनाई है, ये भी सभी मुबारक के पात्र हैं। और इसी तरह पूरे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीम है, जितने भी लीडर साहबान हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ साहब हैं, गडकरी साहब हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमें देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए हर दिन 18-18 घंटे काम करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के मुंह में केक डाल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का 79वां जन्मदिवस है। जी हाँ, पूरे देश की तरह जम्मू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिवस यहां पर मनाया जा रहा है और सबके चेहरे पर जो है खुशी की लहर है। और इनका कहना है कि अगर हमारे साथ प्रधानमंत्री जी नहीं भी हैं, फिर भी हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि आज घर घर मोदी और जन जन मोदी है। जी हाँ, और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आज यहाँ पर फलों को जो है यहाँ पर लोगों में बांटा जा रहा है, केक को बांटा जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का 69वां जन्मदिवस है। जी हाँ, आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े स्पिरिट न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी वंदना हंस को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज के साथ। नमस्कार।